हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हर रोज़ की तरह मैं आज भी करंट फीलिंग्स का रीडिंग करने वाली हूँ। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी और जिस भी दिन आपके सामने आ रहा है, जिन भी पर्सन के बारे में सोच के आप देखेंगे उसकी एनर्जी पिक होगा। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकते हैं। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है मेरे पर्सनल रीडिंग के नंबर है। जो लोग भी मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करें। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, सो आपको पेमेंट करके बुक करना होता है। चलिए देख लेते हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जी कैसा है। कल 10-10 पोर्टल गए हैं, सो आज देखेंगे उनका क्या असर पड़ा है आपके पर्सन की एनर्जी में, क्या हो रहे हैं उनके लाइफ में, क्या सोच रहे हैं आपके लव्ड वन। So let's start the reading. Relationship guide करें मेरे viewers के loved one, मेरे viewers के subconscious mind में जो person है उनकी current energy relationship guide करें मेरे viewers के loved one की current energy, current situation and current feelings. Relationship guide करें मेरे viewers के loved one की current energy, current situation and current feelings. Queen of Swords, Victory and Wheel of Fortune, Strength, वापस आ गए कार्ड। बहुत कुछ है ऐसा जो आपके पर्सन की एनर्जी में हिडन हो सकते हैं। वन मोर कार्ड एंजल। देखिए मेजर साइन यहाँ पर सारे हैं, यानी 12 साइंस है। व्हील ऑफ फॉर्चून आए हैं मेजर अरगाना से, इसके अलावा लियो है मेजर, और माइनर अरगाना से एक्यूरस लिब्रा जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, एरिस लियो सजिटेरियस भी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। यस, सो अर्थ साइन एंड वाटर साइन नहीं आया है पहले स्प्रेड में, लेकिन क्लरिफिकेशन में आ जाएंगे। आज के दिन की एनर्जी की अगर बात करें तो किसी के कंट्रोल से आपके पर्सन सक्सेसफुली बाहर आ चुके हैं, या फिर मेंटली प्रिपेयर्ड है उस सिचुएशन से खुद को बाहर लाने के लिए, और बिल्कुल अपनी पावर और स्ट्रेंथ में हैं आज के दिन में आपके पर्सन। हेल्थी इशू नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन के, हेल्थ इशू हो सकते हैं, या फिर उनके घर में किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, या फिर आज के दिन में बहुत ज़्यादा वीक फील करेंगे, या फिर किसी तरीके का चोट पहुंच सकता है स्पेशली हैंड पे। ओके, और कुछ लोग के पर्सन आज के दिन में भी अपनी पेट के साथ बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और वो ज़्यादातर टाइम यही मैनिफेस्ट करते हैं या फिर यही सोचते हैं कि कब तक मेरा गुड लक आएगा, अच्छा टाइम कब तक स्टार्ट होंगे। ओके, और किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, जो उनको बोझ लगता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो उठाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उठाना पड़ रहा है। सो सक्सेसफुली यहाँ पर उन सारे बोझ से वो बाहर आएंगे, या फिर उस रास्ते पे ही है जो कुछ भी हो रहा है, यही होने के लिए हो रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो और उनको सक्सेस मिले। ठीक है, सो जो कुछ भी हो रहे हैं अभी उनके लाइफ में, वो उनको सही पाथ पर लेकर आ रहे हैं, या फिर डेस्टिनी उनको सक्सेस दिलाना चाहते हैं, और वो जो कुछ भी हो रहा है डेस्टिनी के हिसाब से ही हो रहे हैं। इस वक्त हो सकता है आपके पर्सन को हर कोई ब्लेम कर रहा है। ओके, और आपके पर्सन भी बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है, स्टैंड लेने की एनर्जी में है, कि वो खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं इस टाइम पे, वो भी चुप नहीं बैठे हैं।
ये सिचुएशन है। सो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। डेक एंजल एंड क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्स आज के दिन में क्या बताना चाहते हैं क्वीन ऑफ सोर्स कार्ड। एनर्जी कैसा है मे बी ओवर्स के लव्ड वन की। मैंने कहा ना कि बहुत कुछ वो बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो चैरियट का कार्ड, यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है और क्लैरिफिकेशन में चैरियट आया हुआ है, यानी किसी के कंट्रोल से बाहर आ रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है, बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है और बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद ही सक्सेस का कार्ड यही दिखा रहे हैं कि सक्सेसफुली आपके पर्सन या तो बाहर आ चुके हैं या फिर प्रोसेस में है और अपनी लाइफ में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल के साथ दी फुल कार्ड। सो केयरफ्री होके अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। यस, किसी से मूव ऑन कर रहे हैं पूरी तरीके से, आपके पर्सन मूव ऑन करके आ रहे हैं आपके तरफ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े है, मारपीट भी आप कह सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, सिक्स ऑफ वैंस कार्ड क्या बताना चाहते हैं, प्लीज इनसे गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पर्सन के लाइफ में आ रहे हैं और आपके पर्सन उनको ही चूज कर रहे हैं या फिर उनके तरफ ही वापस आ रहे हैं जो उनके दिल में है, जो उनके मन में है, जिनको वो मन से चाहते हैं, जिनके साथ मन जुड़ा हुआ है, उनके तरफ वापस आने की एनर्जी है आज के दिन में, ठीक है। रीच आउट कर सकते हैं, सडन कॉल मैसेजेस कुछ लोगों को रिसीव हो सकता है, क्योंकि मिसिंग एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको सिक्योर करना चाहते हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर उनको रिसीव हुआ है, या फिर फाइनेंशियल लाइफ में अगर प्रॉब्लम था तो वहाँ पर सक्सेस मिलने की चांसेस आज के दिन में मुझे नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून प्लीजेंशियल गाइड करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई किए हैं, डेबल, सेवन ऑफ कप्स एंड दी स्टार। सो किसी डेबल एनर्जी में अटके हुए थे जो कि बैड कर्मा एसोसिएटेड है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई किया है डेबल ने, और सेवन ऑफ कप्स कि जिन चॉइसेस में आपके पर्सन अटक चुके थे, जिन भी कंफ्यूशन में अटक चुके थे, उन सारे सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यस, होपफुल है काफ़ी कि उनका विशेस फुलफिल होगा आगे जाकर, जो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होगा। स्ट्रेंथ कार्ड प्लीज इनसे गाइड करें। स्ट्रेंथ कार्ड क्या बताना चाहते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड के पहले व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है और यहाँ से भी व्हील ऑफ फॉर्चून है और नंबर एट को क्लैरिफाई किया है, तो कर्मा रिलीज की एनर्जी है। यस, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं जहाँ पर आपके पर्सन फाइट करे किसी डेबिल के साथ और इस डेबिल को लगभग एंड कर चुके हैं आपके पर्सन, ठीक है। सो कोई कर्मा रिलीज की एनर्जी है और आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है, एट ऑफ वैंस की एनर्जी है। कॉल मैसेजेस काफ़ी सारे लोगों को रिसीव होगा आने वाले 44 आवर्स के अंदर या फिर 8 आवर्स के अंदर या फिर 8 बजे तक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे। ओके, पेज ऑफ वैम्स कार्ड क्यों आया है। पेज ऑफ वैम्स को पेज ऑफ वैम्स ने क्लैरिफाई किया है, आपके तरफ रोमांटिक जेस्चर कर सकते हैं। ओके, और थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर जागलिंग से बहुत क्विकली बाहर आने की एनर्जी है। अगर दो राहे पे थे या फिर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे सही टाइम का, तो अभी जो है ये सही वक्त है, उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं आपके पर्सन। काफ़ी सारे लोगों का इंतज़ार ख़त्म होने वाले हैं आपके पर्सन की तरफ से। आज के दिन में आपको कॉल टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव हो सकता है और वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है, एनजाइटी में है, स्लीपलेस नाइट उनका जा रहा है, ठीक है। और रिग्रेट है किसी चीज़ का, उनको रिग्रेशन है कि उन्होंने क्यों किया पास्ट में, इस टाइप की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्स के साथ इन सारी नेगेटिविटी को वो काट अप करना चाहते हैं, बिल्कुल वो फाइट कर रहे हैं उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। और आपके ऊपर बहुत नज़र रखे हुए हैं, आपकी एक्टिविटी को वो फॉलो अप करते हैं रेगुलर बेसिस पे। टेन ऑफ वैम्स कार्ड प्लीज एंड गाइड करें। टेन ऑफ वैम्स कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं।
शादी से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकते है, पैसों से रिलेटेड अगर कोई परेशानी और शादी से रिलेटेड अगर कोई परेशानी था, सो आपके पर्सन खुद की मर्जी से इंडिपेंडेंट होके किसी को भी रिलाई नहीं कर रहे कि फैमिली क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे, या फिर वो लोग जैसा कहेंगे, जैसा सलाह देंगे उसके हिसाब से चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपके पर्सन यहाँ पर इंडिपेंडेंट होके खुद की मर्जी से यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। साथ ही साथ फाइनेंशियल कुछ गेन फिर से मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिल रहा है, फाइनेंस में सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन को। और जो भी कंट्रोलिंग फीमेल है वहाँ से बाहर आने की एनर्जी है। अगर शादी के लिए कोई उनको फोर्स कर रहे थे या फिर किसी शादी से रिलेटेड यहाँ पर किसी भी सिचुएशन जो उनके ऊपर बोझ बन चुके थे, या फिर यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें कि फैमिली किसी डिसीजन को उनके ऊपर थोप रहे थे, जैसे कि फैमिली जैसा होता है ना, कई बार फैमिली प्रेशर क्रिएट करते हैं कि तुम्हें तो यही करना है, ठीक है, अभी तक मेरी फैमिली में, हम लोग की फैमिली में ऐसा ही चलता आ रहा है, या फिर सोसाइटी में ऐसा ही होते आ रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो अप करनी है। जैसे सोसाइटी कई बार प्रेशर डालते हैं कि मान लीजिए कोई डिवोर्सी है और कोई सिंगल है, ठीक है, सो सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए कि फीमेल बहुत ही बड़ा है मेल पार्टनर से, तो फैमिली या फिर सोसाइटी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इन सारी जो चीज़ें हैं, ऑब्स्टिकल्स है, ऐसे ऑब्स्टिकल्स में आपके पर्सन खुद की मर्जी से डिसीजन ले रहे हैं कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ पर है और मुझे जो चाहिए वो चाहिए, चाहे फैमिली कुछ बोले, सोसाइटी कुछ बोले, माने ना माने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इस एनर्जी में है, मैंने बस एग्जांपल दिए हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। एस ऑफ सोर्स कार्ड, प्लीज इनको गाइड करें। एस ऑफ सोर्स कार्ड, ओके, फोर ऑफ वैंस, एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। मैरिड लाइफ में न्यू बिगिनिंग होते हुए नजर आ रहे हैं और डर से बाहर आ रहे हैं। आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा डरते थे कि कैसे स्टैंड लेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मेरा फेस लॉस होगा, इमेज लॉस होगा, तो बहुत सारी चीज़ों का जो डर था उनके अंदर कि हम लड़ पाएंगे या नहीं सिचुएशन के साथ, तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि वो आपके बिना जी नहीं सकते, या फिर इतना स्ट्रॉन्ग लव है कि वो मतलब आपके बिना खुश भी नहीं रह सकते जिन सिचुएशन में वो है, घुट घुट कर जी रहे हैं। तो उनके लिए यही एकमात्र रास्ता है कि मुझे इन सारे सिचुएशन से कैसे भी करके बाहर आना है, इसीलिए वो बिल्कुल स्टैंड लेने की एनर्जी में आ चुके हैं कि मुझे या तो इस पर या तो उस पर करना है, इसीलिए इस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है इस कार्ड ने। सो डर से बाहर आके एक एक्शन टूअर्स लव मैरिज, टूअर्स अपनी शादी में वापस आना, कि अगर हस्बैंड वाइफ के भी सेपरेशन है तो शादी में न्यू बिगिनिंग होना, इस टाइप की एनर्जी है। यस, फैमिली के साथ ब्रेकअप सिचुएशन मुझे नज़र आ रहे हैं। सो अगर फैमिली में सेपरेशन हो गए थे आप दोनों की, ठीक है, बच्चों में, जैसे कि बच्चा किसी के पास है और हस्बैंड वाइफ अलग है, तो इन सारे सिचुएशन में भी न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि जिनके भी लाइफ में फैमिली ऑब्स्टिकल्स बने हुए हैं, कि लव लाइफ के बीच में फैमिली बहुत ज़्यादा अड़ंगा डाल रहे थे, तो यहाँ पर आपके पर्सन उन सिचुएशन को भी काटअप करें, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स का कार्ड है, ठीक है, किसी बोझ और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आ रहे हैं और बिल्कुल क्लियर कट वो न्यू बिगनिंग करें अपनी लाइफ में सक्सेसफुली। किंग ऑफ सोर्स कार्ड, प्लीज इनको गाइड करें। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स को क्वीन ऑफ वैंस ने क्लैरिफाई किए हैं। आपके पर्सन सारी ऑब्स्टिकल्स को काटअप करके आपके तरफ आ रहे हैं, आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनका इमोशन आपके साथ जुड़ा हुआ है और इस वक्त उनका प्यार जो है ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। यस, उनको पता चला है कि आप ही उनका हैप्पीनेस है, आपके अलावा वो किसी भी सिचुएशन में हैप्पी नहीं रह सकते, स्पेशली जिन भी सिचुएशन में वो अभी अटक चुके हैं या फिर उनको लग रहा है कि इस सिचुएशन में मैं बन चुकी हूँ। अगर कोई किसी भी रिलेशनशिप में या फिर कहीं पर भी अच्छे से जी रहा है तो वो कभी भी ऐसा फील नहीं करेगा कि वो बन चुके हैं सिचुएशन में, ठीक है, सिचुएशन उनको बांध कर रखा है, ऐसा उनको महसूस कभी भी नहीं होगा। तो ऐसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन जहाँ पर भी है बिल्कुल खुश नहीं है, वहाँ से बाहर आना ही उनका विश फुलफिलमेंट है। नाइन ऑफ वैंस कार्ड, प्लीज इनको गाइड करें। नाइन ऑफ वैंस कार्ड, ओके, नाइन ऑफ वैंस को वर्ल्ड कार्ड ने क्लैरिफाई किए हैं।
विद द थ्री ऑफ वैंस एंड सिक्स ऑफ सोर्स। कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग के पर्सन फॉरेन कंट्री जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है बाहर से उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिला है करियर से रिलेटेड, क्योंकि ये तीनों कार्ड ही ट्रैवलिंग को दिखा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घबराहट है, डर है इस चीज़ को लेकर, और वो न्याय करना चाहते हैं। यस, वो न्याय करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। सो अगर ट्रैवलिंग की बात यहाँ पर हो रहा है, कहीं दूर जाने का बात हो रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा हिचकिचा रहे हैं आज के दिन में आपके पर्सन कि मैं जाऊँ या फिर ना जाऊँ, क्या मुझे चला जाना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज जिन भी सिचुएशन में वो हैंग थे, अटके हुए थे, वहाँ पर टावर मूवमेंट है और किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी देखिए यहाँ पर सोर्स लेकर बैठे हैं, जैसे कि सब कुछ मार के ख़त्म कर दिए। यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक किस एनर्जी आपको दिख रहा है कि जैसे कि लड़ाई झगड़े करके बिल्कुल ही ड्रास्टिक सिचुएशन है। सो उन सिचुएशन से बाहर आ रहे इस टाइप की एनर्जी है, दोनों किंग नजर आ रहे हैं। सो जो भी दो ऑप्शन में जगल कर रहे थे आपके पर्सन, तो यहाँ पर एक रिजल्ट या फिर एक सॉल्यूशन या फिर एक ही पर्सन को चुनने की एनर्जी है। साथ ही साथ अगर आपके भी लाइफ में दो ऑप्शन है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा है। सो जो भी कार्मिक सिचुएशन होगा, जो भी टॉक्सिक रिलेशन होगा, जो रिलीज होना है वो रिलीज हो जाएगा इस टाइम पे। सेवन ऑफ वैंस कार्ड, और काफ़ी सारे लोगों के लाइफ से रिलीज हो चुका है, भला ही आपको जो है दिखाई नहीं दे रहे कि रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि वो चीज़ हिडन है अभी। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ से भी कोई सिचुएशन रिमूव हो चुका है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है क्योंकि उन्होंने आपको शेयर नहीं किया है या फिर दिखाया नहीं है, तो हो सकता है ये चीज़ है। फाइव ऑफ वैंस के साथ सेवन ऑफ वैंस, ओके, आपके पर्सन के साथ किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपके पर्सन भी जमकर झगड़े किए हैं खुद के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई उनको ब्लेम कर रहे हैं, कोई उनको कुछ भी बोल रहे, तो आपके पर्सन पहले क्या होता था वो सुनते जा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, शायद मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना सोसाइटी के खिलाफ है, फैमिली के खिलाफ है, तो उनको लग रहा है शायद मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन अभी उनको जो क्लैरिटी है कि नहीं, मैं गलत कुछ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद को नहीं हैप्पी रख पा रही हूँ या फिर रख पा रहा हूँ करंट सिचुएशन में। उनका खुद का सोल जो है हैप्पी नहीं फील कर रहा है जिस सिचुएशन में है, और काफ़ी टाइम से वो उस सिचुएशन में घूट रहे थे, तो ऐसा उनको रियलाइजेशन है कि नहीं, मुझे खुद के लिए फाइट करनी है, तो ये चीज़ है। सो किसके साथ फाइट हो रहा है, प्लीज इनसे गाइड करें मुझे, एक चीज़ का क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स बाहर आने की एनर्जी को दिखा रहे हैं, जजमेंट, ये फाइनल डिसीजन है कुछ लोग के रिश्ते में, पैसों को लेकर कहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। सो ये एनर्जी है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं आपके रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन किस चीज को गाइड कर इस रिश्ते में, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके लव्ड वन का नेक्स्ट एक्शन किस चीज को गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, नेक्स्ट एक्शन मुझे लग रहा था मैसेजेस का कार्ड आ रहा है, क्योंकि मैं जब सफल कर रही थी तब मुझे ये कार्ड नजर आया, ये एट ऑफ वैंस का कार्ड है और यहाँ पर भी एट ऑफ वैंस का कार्ड है। बहुत जल्दी आपको कॉल मैसेजेस रिसीव होगा, पहला ही कार्ड यहाँ पर मैसेजेस का है, और आज के दिन में मैंने शॉर्ट रीडिंग डाला है कि नवरात्रि में कॉल मैसेजेस आएगा, तो वहाँ पर भी मैसेजेस का कार्ड पहले आए हुए हैं। सो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी अलग चॉइसेस था, कंफ्यूजन था, और यहाँ पर फैमिली से रिलेटेड कोई इशू, थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई इशू अगर चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो आज के दिन में बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन आ सकता है, या फिर कैसे भी हालत में चीज़ें बैलेंस हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी हार्ट ब्रोकन है और जो भी उनके साथ गलत करे उन सारी चीज़ों से आपके पर्सन डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी उनको हर्ट कर रहा है, धोखा दे रहा है, या फिर कुछ भी ट्रिगर कर रहे हैं, उन सिचुएशन से अलग होते हुए या फिर डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ओके। ट्रिपल फोर की एनर्जी है, 444। सो यहाँ पर देखिए एंजल आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं एंजल, कौन सी चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, थर्ड पार्टी। देखिए यहाँ पर नंबर 3 आया है, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। सो ये कार्ड स्पेशली नंबर 3 थर्ड पार्टी को डिनोट कर रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर कहूँ और कि आज सिचुएशन को
डिनोट कर रहे हैं। सो सबसे पहले फैमिली, उसके बाद कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर था तो वो रिमूव हो रहा है, और सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम और ब्लॉकेजेस आ रहे थे तो वो रिमूव हो रहे हैं। सो ये सारे सिचुएशन एंड हो रहे हैं। रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड, सो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाले हैं। अगर आपके पर्सन आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा हिडन रखते थे, छुपा के रखते थे कि आप दोनों का प्यार है, किसी को नहीं पता था या फिर फैमिली को नहीं पता था, हिडन रिश्ता था, तो रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलने वाले हैं। आपका जो भी पेशेंस है, जो भी आपने इंतज़ार किया है, ट्रू लव किया है, तो आपको डिवाइन की तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा है। डिवाइन आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, ठीक है, पूरी सोसाइटी के सामने, लोगों के सामने जहाँ पर हिडन था या फिर आपको जितना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए था, ठीक है, रिश्ते में नहीं मिल रहा था। जितना आपको प्रायोरिटी मिलना चाहिए था, इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए था, आपके पर्सन दे नहीं पा रहे थे कुछ ना कुछ कारण की वजह से, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाले हैं। यस, विश फुलफिलमेंट विद सैक्रल चक्रा। सो यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट भी हो सकते हैं इस टाइम पे, ओके, और रोमांटिकली आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। यस, डबल कन्फर्मेशन है, आने वाले 1-2 दिन के अंदर उनका मिसिंग एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग रहेगा और फिजिकली बहुत ज़्यादा वो आपको याद करेंगे, ओके, पैशनेट एनर्जी मुझे नज़र आ रहा है, और कोई ना कोई टावर मोमेंट आने वाले समय में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं 2 से 3 दिन के अंदर। कैसा डिसरप्शन, कैसा डिसरप्शन, कैसा डिसरप्शन, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या फिर दो राहे पे थे आपके पर्सन, खुद के पावर में है वो, जैसे कि मैंने कहा इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन ले रहे, अथॉरिटी खुद के हाथ में ले रहे हैं वो, कि मेरा लाइफ है, डिसीजन मेरा है, मुझे हैप्पी रहना है तो मुझे ही करना पड़ेगा, ठीक है, मम्मी पापा साथ देंगे या फिर दोस्त साथ देंगे और सब सब लोग मिलजुल कर रास्ता ईजी हो जाएगा, ठीक है, जो आपको चाहिए वो डिवाइन जो है ईजीली आपको परस देंगे आपके सामने, ऐसा नहीं है, तो जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर टेस्ट होता है कि आप सच्चे दिल से चाह रहे हो कि नहीं चाह रहे हो, ठीक है। एक टाइम ऐसा था कि आपको सब कुछ मिला था, यानी आपके पर्सन को सब कुछ इजीली मिल रहा था, लेकिन उन्होंने जो चीज़ मिल रहा था इजीली, उनको लगा कि ये इजीली मिल रहा है तो ये वैल्यूएबल नहीं है, वर्थ इनका नहीं है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड ले लिया, या फिर उनको लगा कि बहुत ही इजी है ये, बहुत ही कॉमन है, यानी इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जब डिवाइन ने आपको दूर किया उनसे, तब उनको रियलाइजेशन है कि आपकी वर्थ क्या है, आप कौन हो, साथ ही साथ आपको पाना कितना मुश्किल है, तो जब उनको ये रियलाइज हुआ तब वो यहाँ पर अपनी पावर में आ चुके हैं और बिल्कुल फाइट करने के लिए तैयार है कि जो चीज़ मुझे चाहिए उसके लिए मुझे ही फाइट करना होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि मैंने ही रिजेक्ट किए, मैंने ही इग्नोर किया, नेगलेक्ट किया चीज़ों को, तो अभी मुझे स्टैंड लेना है, नहीं तो मैं खो दूंगी इस चीज़ को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से। तो एक टाइम जब इजी था उन्होंने समझा नहीं, और अभी जो सिचुएशन हार्ड हो चुका है, इजी बिल्कुल भी नहीं रहा है, तब उनको रियलाइजेशन भी हुआ है और बिल्कुल वो फाइट कर रहे सिचुएशन के साथ और अपनी पावर में है। सो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लव बिगिंस विद द स्पिरिचुअल यूनियन, तो यहाँ पर यूनियन होगा काफ़ी सारे लोगों का 1-2 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के अंदर, ठीक है, 72 आवर्स के अंदर काफ़ी सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है, कॉल मैसेजेस आ सकता है, आपके पर्सन मिलने बुला सकते हैं इस नवरात्रि में, इस टाइप की एनर्जी है। सो वाइब्रेशन बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी, अगर उनकी पर्सनल लाइफ की बात किया जाए तो बहुत ही ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है, स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें चल रहा है। सो न्यू बिगिनिंग काफ़ी सारे लोगों के बीच होगा, और किसी सिचुएशन को आपके पर्सन सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जहाँ पर भी वो हैंग थे काफ़ी टाइम से, ठीक है, काफ़ी टाइम से वो जहाँ पर हैंग थे उस सिचुएशन को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं, सॉरी, ये चीज़ें आपके सामने नहीं आया है, वो छुपा रहे हैं। डिसेप्शन एंड एनवी क्यों आया है यहाँ पर, क्या छुपा रहे, क्या चीज़ है, फिर से नंबर 3 आए हैं, थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप सिचुएशन है, ओके, और वेटिंग सिचुएशन से आपके पर्सन बाहर आ रहे हैं कि मुझे बाहर आना है क्विकली, जो भी थर्ड पार्टी है या फिर डिले हो रहा है इस सिचुएशन से मुझे बाहर आना है, ठीक है। यस, सो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, इतना टाइम आपने पेशेंस रखा है तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा,
और आपके पर्सन बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड है, स्टैंड ले रहे हैं, तो सेम कार्ड बार बार आ रहे हैं, सो सेम मैसेज है यहाँ पर। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज एंजॉय गाइड करें गाइडेंस मैनिफेस्ट। तो देखिए काल शायद कुछ लोग मैनिफेस्ट किए हैं, आज के दिन में भी आप कर सकते हैं, नवरात्रि चल रहा है, साथ ही साथ 10-10 पोर्टल का इफेक्ट अभी भी रहेगा 15 डेज तक, तो आप लोग कर सकते हैं। और ड्रीम डीप एंड आस्क फॉर व्हाट यू वांट, यस, तो जो भी आप चाहते हो मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत है, सो जिनको पता है यूज़ करो, नहीं तो सर्च करो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक मिल जाएगा। तो जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए काम कर सकता है, तो उनको आप यूज़ करें सच्चे दिल के साथ, पूरे प्योर इंटेंशन के साथ। विश अपन स्टार एंड रिलीज ऑल लिमिटिंग बिलीव्स, यस। सो यहाँ पर देखिए जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है, यानी इतने टाइम आप जिन भी चीज़ों में बिलीव करते आ रहे हो, उससे बाहर कुछ सोचिए, ठीक है, और स्टार को देखते हुए मैनिफेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो चलता आ रहा है, जो लोग बोल रहे हैं, जैसे हो रहा है चीज़ें वैसे ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इटर्निटी, गिव योर सेल्फ परमिशन टू स्लो डाउन। तो यहाँ पर आपको थोड़ा स्लो डाउन होने की भी ज़रूरत है, जो लोग चाहते हो कि जल्दी जल्दी मुझे रिजल्ट दिखे, या फिर कोई काम को आप हड़बड़ी में कर रहे हो, कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपनी रूटीन को, तो यहाँ पर थोड़ा बैलेंस करो और टाइम लो, स्लोली करो, ठीक है, खुद के लिए टाइम निकालो। रिप्लेनिश, दिस सन विल राइज एंड विल ट्राई अगेन। तो डेफिनेटली देखिए सन भी हर रोज उगता है और बुझता है, तो हमारे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, फिर आप जो है राइज करोगे सन की तरह, न्यू बिगिनिंग होगा आपके लाइफ में भी, हैप्पीनेस आएंगे। ब्रीथ, इनहेल स्टारडस्ट एंड एक्सेल मैजिक। तो स्टार लाइट में, मून लाइट में बैठकर आप मेडिटेट करें, या फिर अपने अंदर सांस लीजिए, गहरी सांस आप लीजिए और धीरे धीरे से छोड़िए, तो आप देखिएगा अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रहा है और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रहे हैं। सो गाइस ये था आज के दिन में रीडिंग एंड गाइडेंस, होप आपको पसंद आया है, रेजोनेट किए हैं। अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो डेफिनेटली लाइक करें, अच्छा लगा है कमेंट करें, कौन सी चीज़ें रेजोनेट की है वो डेफिनेटली बताएं आप मुझे कमेंट सेक्शन में। और जो लोग पुराने हैं, हर रोज देखते हैं मेरी रीडिंग को, उनको लॉट्स ऑफ थैंक्स एंड ग्रेटफुलनेस है कि आप लोग देखते हो हर रोज मेरी रीडिंग को। आपसे होप रखती हूँ कि पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखे, जो भी आपका ऑब्स्टिकल्स है वो रिमूव हो जाए आपके लाइफ में, यही मैं प्रेयर करती हूँ आप सबके लिए। और फेस्टिव सीजन शायद आप लोग एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, सो डेफिनेटली पॉजिटिव रहिए और सेलिब्रेट कीजिए। और गाइस जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने नंबर दी हुई है, तो उनको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, और कभी भी जब भी ज़रूरत है आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, टाइम हाथ में रख के कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि बिजी शेड्यूल होता है तो इंस्टेंट रीडिंग नहीं दे पाती हूँ मैं, तो मिनिमम 2 दिन का टाइम हाथ में रख के आप मुझे बुक कर सकते हैं, और बिल्कुल जैसे आप लोग रीडिंग देख रहे हैं यहाँ पर वैसे ही आपको अपनी नंबर पे भेजा जाता है, व्हाट्सएप नंबर पे वैसे ही आपके नेम के हिसाब से वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा जाता है। वीडियो आपके पास आप रख सकते हैं महीनों सालों, कितना भी टाइम आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, देख सकते हैं उनको। तो वीडियो भेजने के बाद मैं मेरे सिस्टम से डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ तो स्पेस नहीं रहता है और रखने की ज़रूरत भी मैं नहीं समझती हूँ। सो आपकी पर्सनल रीडिंग आपके तक और मेरे तक ही रहता है, क्योंकि मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे पता चलता है, लेकिन मैं बहुत सारे लोग आते हैं तो मुझे याद नहीं रहता है रीडिंग करने के बाद। सो बिल्कुल आपका जो भी रीडिंग है, जो भी पर्सनल चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ आपको भेजा जाता है, तो सिक्योरिटी को लेकर आप कुछ भी डाउट मत फील करें, ओके। सो ये था, और लॉन्ग में नहीं करूँगी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें हैं लोग पर्सनल रीडिंग लेने के वक्त बोलते हैं मुझे, जो मैं और एक दिन आपके साथ डिस्कस करूँगी, अगर कोई व्यूअर्स ऐसा है तो और कोई दिन मैं डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं।
सो गाइस फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।